तकवा की बात चल रही थी तो हज़रत अयास बिन सलमा अपने वालिद सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करते हैं कि वालिद साहब ने बताया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा बाज़ार से गुज़रे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अपना कोड़ा भी साथ में था। हज़रत सलमा कहता है कि मैं आगे था तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कोड़ा मुझे मारा, का इतना आराम से मारा कि वो मेरे कपड़े के किसी किनारे पे लगा। कोड़ा मारने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे कहा कि मुझे रास्ता दो, और मैंने हज़रत उमर फ़ारूक को रास्ता दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से चले गए। रास्ता देने के बाद कहा कि वक्त गुज़रता रहा। फिर जब साल गुज़र गया, साल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी मुझसे मुलाकात हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे कहा कि आपका इरादा है कि आप हज करें। तो हज़रत उमर फ़ारूक को मैंने कहा हाँ मेरा हज का इरादा तो है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सलमा कहता है कि हज़रत उमर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर ले गया। हज़रत उमर फ़ारूक मुझे घर ले गया, मुझे इज्जत दी, मुझे एहतराम किया, मुझे सही जगह पर बिठाया और मुझे 600 दिरहम दिए। बोला ये 600 दिरहम मेरी तरफ से है, ये ले लो और ये अपने हज के सफ़र में खर्च कर लेना, ये मेरी तरफ से आपको हदिया है। हज़रत सलमा ने, हज़रत उमर ने कहा ये वो 600 दिरहम इसके बदले दे रहा हूँ कि आपको मैंने पिछले साल बाज़ार में कोड़ा मारा था। तो हज़रत सलमा ने कहा हज़रत उमर को, ए उमर वो कोड़ा मुझे याद भी नहीं है कि आपने मुझे मारा था। उमर ने कहा तुझे तो याद नहीं है लेकिन वो कोड़ा मुझे याद है, और ये जब से मैंने आपको कोड़ा मारा है उस वक्त से लेकर आज तक मेरे दिल में खटखटाहट महसूस हो रही थी कि आपसे कब मिलूं और आपसे माफ़ी मांगूं। मेरे दोस्तों देखो, सहाबा का मकाम और मर्तबा, हज़रत उमर कोई कम आदमी नहीं थे। हज़रत उमर मुराद रसूल भी है और हज़रत उमर बहादुरी के किस्से भी बहुत हैं। हज़रत उमर एक नेक इंसान है। हज़रत उमर की तकवा तो देखो कि हज़रत उमर ने उसको कोड़ा मारा, उसके कपड़े के किनारे पे कोड़ा लगा, फिर भी देखो साल गुजरने के बाद हज़रत उमर को वो वाक़या भूला नहीं, उसके बदले हज़रत उमर ने उसका पूरा हज का खर्चा दे दिया कि ये मेरी तरफ से ले और हज पे जाओ। तो हम बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमने ये बड़ी गलती की, किसी मुसलमान को हमने इज़ा दिए, हम भूल जाते हैं। लेकिन हज़रत उमर को देखो, जो मुराद रसूल भी है लेकिन उससे इतनी छोटी गलती भी नहीं भूली गई।